सो हेलो यूट्यूबर्स, दिस इज चेकिला। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे और कहां से बेस्ट वर्ल्ड की बेस्ट वेबसाइट से आप पीडीएफ या फिर ईपब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक कंपाइलेशन लेकर आया हूं उन वेबसाइट्स का जहां से आप दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट तरह के आप पीडीएफ या ईपब डाउनलोड कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन किंडल तो आजकल फ्री में ही चल रहा है, बट कई सारी बुक्स जो होती हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती वो आपको इन वेबसाइट्स में मिलेंगी। तो जैसे नंबर वन पर आती है ये वाली वेबसाइट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सपोज मैं यहाँ पे फ्लटर डालता हूँ। फ्लटर एक मोबाइल डेवलपमेंट का स्टार्ट गाइड होती है जिसको आप जिसकी बुक्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसमें भी वो आपको आराम से मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको उस फ्लटर से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी सर्च करोगे यहाँ पे आर्टिकल भी और आपको बुक्स भी सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो नंबर टू पर आती है जेड लाइब्रेरी डॉट चाइना। तो एक ऐसी वेबसाइट है यहाँ पर आपको किसी भी तरह की आपको पीडीएफ या ईपब मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको नॉवेल्स जनरली देखने को मिलती है, साइंस फिक्शन होती है, फिक्शन होती है, रोमांस होती है और थ्रिलर और भी कई तरह की आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी यहाँ पर पीडीएफ की। तो बस आपको किसी भी पीडीएफ पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको उसका सारा इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आप उसे डाउनलोड कर सकते हो ईपब के तौर पे या फिर आप सेंड टू किंडल या फिर ईमेल भी कर सकते हो खुद को। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरा ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है किसी भी नॉवल या फिर ईपब के बारे में। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड नंबर थ्री पर जो हमारे पास वेबसाइट आती है वहाँ पर आपको ऑडियो बुक्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी जो कैटेगरीज अवेलेबल है नॉवेल्स में वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें टेक्नोलॉजी या फिर पढ़ाई से रिलेटेड स्टफ थोड़ा कम ही मिलता है, बट यहाँ पर आपको वो नॉवेल्स देखने को मिलेंगे जैसे फैंटेसी हो गई या फिर आर्ट हो गई, बायोग्राफीज हो गई, एजुकेशनल हो गए या फिर ऑटोमेशन हो गई। ऐसी मेजॉरिटी जितनी भी कैटेगरीज अवेलेबल है एक नॉवेल्स पे तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एजुकेशनल स्टफ़ इसलिए नहीं मिलता है ज़्यादा क्योंकि ये ऑडियो बुक्स होती हैं। ऑडियो बुक्स में किसी चीज़ को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसमें आप जो कहानियाँ होती हैं या फिर नॉवेल्स होती हैं आपको वो देखने को मिल जाएगी ऑडियो फॉर्मेट में। तो एक और बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अगर आप वैसी वेबसाइट ढूंढ रहे हो जहाँ पर आपको नॉवेल्स कम आपको टेक्नोलॉजी स्टफ़ या फिर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा स्टफ़ ढूंढना है, तो उसके लिए बेस्ट है पीडीएफ ड्राइव। मैं जनरली और या तो मैं यही यूज़ करता हूँ पीडीएफ ड्राइव या फिर मैं यूज़ ही नहीं करता कोई भी पीडीएफ की वेबसाइट, क्योंकि ये मुझे सबसे सेफ वेबसाइट लगती है जहाँ पर आपको इतनी सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर अपने कॉलेज से या फिर अपने ऑफिस से जो भी आपको काम मिलता है आपके पास आपको सारी इसमें देखने को मिल जाएंगी सारी बुक्स। तो इसमें नॉवेल्स का मैं थोड़ा कम ही देखता हूँ, बट इसमें आपको नॉवेल्स भी या फिर फिक्शन वाली सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। सपोज़ मैं यहाँ पे सर्च में टाइप करता हूँ अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, तो आफ्टर इफेक्ट जैसे मैं सर्च करूँगा तो आपको उससे रिलेटेड सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि एक वैसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो के मोशन ग्राफिक्स एलिमेंट सब कुछ बना सकते हो। तो आपको उससे रिलेटेड सारी आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। तो पीडीएफ ड्राइव ही एक ऐसी वेबसाइट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, वरना तो टेलीग्राम में ही आपको पीडीएफ मिल जाती है, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। पर पीडीएफ ड्राइव एक ऐसी वेबसाइट है जितने भी मैंने इस वीडियो में वेबसाइट दिखाई है उसमें किसी में भी ऐड नहीं आता या कोई भी पॉपअप नहीं आते। तो ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, इसमें डेली आपका कंटेंट या डेटाबेस ना चेंज होता रहता है और आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट वो पीडीएफ देखने को मिल जाती है। सो नंबर फाइव पर आती है फ्री ई बुक्स डॉट नेट। तो एक ऐसी वेबसाइट है जिसको थोड़ा फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करना पड़ा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें फाइव बुक्स आपको महीने में पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ऐसी आपको ई बुक्स या फिर ई पब वो पीडीएफ मिलती है जो अभी मार्केट में बिल्कुल नई नई इंट्रोड्यूस हुई है। तो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको मेजॉरिटी काइंड ऑफ सारी कैटेगरी की आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो यही कुछ ऐसी कंपाइलेशन थी उन वेबसाइट्स की जहाँ पर आपको फ्री ईबुक या फिर ईपब मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना जिससे कि सबको इसकी इन्फॉर्मेशन हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।